हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिव्या। आइए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर, चैप्टर 11, स्केड्यूल एनिमल्स ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपसे रिक्वेस्ट है ज़रूर ध्यान दीजिए, इस चैप्टर को ज़रूर पढ़िए। राइट, और बाकी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देखिए और सपोर्ट कीजिए वाईशायस को, वाईशायस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइए ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो। राइट, और अगर आपको अगर यूपीएससी रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई किसी भी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है, वाइस सर को ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। राइट, तो स्टार्ट करते हैं स्केड्यूल लिस्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। हम जानते हैं, राइट, हमने पहले पढ़ा था कि 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, और फिर उसमें क्या है, उससे क्या हुआ, जो बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ है उन्हें उनके प्रोटेक्शन के लिए उन्हें किस तरह से प्रोटेक्शन किया जाए, एक स्टैट्यूट बनाया गया, तो ये एक्ट बनाया गया। उसमें आते हैं 6 लिस्ट। राइट, हम उन लिस्ट को डिटेल में देखेंगे। इन 6 लिस्ट में क्या होता है, अलग अलग डिग्री के प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं। राइट, जो भी एनिमल्स हैं उनकी लिस्ट बनाई जाती है, उन्हें किस तरह से प्रोटेक्शन की जाएगी, और उनसे रिलेटेड जो भी लोग हंटिंग करते हैं। राइट, यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स दिए गए, पोचिंग, स्मगलिंग, इलीगल ट्रेड जो भी लोग करते हैं, उनका शिकार करना, उनका स्मगल करना, स्मगल जैसे जो पैंगोलिंस होते हैं उनका स्केल्स होता है उन्हें निकाल लिया जाता है और उन्हें स्मगल किया जाता है। जो टाइगर है उसकी खाल निकाली जाती है, उसकी स्मगलिंग होती है। एलिफेंट्स के जो आइवरी के लिए दांत होते हैं, उनके दांत होते हैं वो निकाल लिए जाते हैं, उनका स्मगलिंग की जाती है, पोचिंग की जाती है। तो राइट, तो इस तरह के जो इलीगल धंधे हैं, इलीगल ट्रेड्स हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए ये किया गया है। और जो स्केड्यूल 1 है और से लेकर स्केड्यूल 4 है, राइट, जो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का स्केड्यूल 1-4 है, उसमें ये जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। राइट, फिर आगे देखते हैं स्केड्यूल 1 और पार्ट 2 ऑफ स्केड्यूल 2, उसमें क्या क्या आते हैं। तो इसमें जो एनिमल्स हैं स्केड्यूल 1 और पार्ट 2 ऑफ स्केड्यूल 2 में, उनमें एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। जो भी एनिमल्स इसमें आते हैं उनको पूरी तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। तो जो भी ऑफेंसेस मैंने पिछली स्लाइड में गिनाए थे, पोचिंग हो गया, स्मगलिंग हो गया, वो सब पूरी तरह से बैंड है, पूरी तरह से उन पर प्रतिबंध है। और अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उन्हें हाईएस्ट पेनल्टी दी जाती है। राइट, तो जो भी एग्जांपल्स हैं एनिमल्स के जो वन में आते हैं वो हैं लायन टेल्ड एनिमल्स, देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं स्केड्यूल 1 में। लायन टेल्ड मैकैक, राइट, फिर राइनोसरस, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, नारकोंडम, हॉर्नबिल, निकोबार मैकापोड और ब्लैक बक। राइट, तो ये देख लीजिए, ये हो गया हमारा लायन टेल्ड मैकैक, ये हमारे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यहाँ पे देखिए। राइट, तो इसी तरह के मतलब जो एनिमल्स हैं उन्हें स्केड्यूल 1 में रखा गया है। स्केड्यूल 2 में जो एनिमल्स आते हैं उनके देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए रेसस मैकैक जो यहाँ पे, और फिर बंगाल पॉर्क्यूपाइन, राइट, फिर फ्लाइंग स्क्विरल, हिमालयन ब्राउन बेयर, ढोल, राइट, ये ढोल। तो इस तरह के एनिमल्स हैं वो स्केड्यूल 2 में आते हैं। राइट, और कुछ और एग्जाम्पल्स हैं फिर स्केड्यूल 3 और स्केड्यूल 4। राइट, तो इनमें जो आते हैं एनिमल्स उनमें मतलब एनिमल्स की जो लिस्ट दी गई है उनसे रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं, राइट, पोचिंग, स्मगलिंग, लाइक दैट। तो इस तरह के जो ऑफेंसेस में से अगर कोई करते हुए पकड़ा जाता है तो उसकी जो पेनल्टी होती है ज़रूर दी जाती है, लेकिन वो जो पेनल्टी होती है उतनी ज़्यादा टफ नहीं होती है। कंपेयर करें अगर स्केड्यूल 1 से और 2 से तो पेनल्टी कम होती है। राइट, जो एनिमल्स स्केड्यूल 3 और 4 में पाए जाते हैं, इसमें आते हैं हाइना, हॉग डेयर, नीलगाय, गोरल, स्पॉन्जेस, बार्किंग डेयर। राइट, और जो 4 में आता है वो है मंगूस और वल्चर्स। राइट, इस तरह के एनिमल्स आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये नीलगाय, बार्किंग डेयर और ये हाइना। ठीक है, आगे देखते हैं तो स्केड्यूल 5 में जो एनिमल्स आते हैं उन्हें कहा जाता है वर्मिन। ठीक है, तो इन वर्म जो ये वर्मिन होते हैं, ये एनिमल्स हैं, इनकी हंटिंग मतलब इन्हें इनका शिकार किया जा सकता है, ये अलाउड है। राइट, तो इसमें क्या क्या आते हैं, माइस, रैट मतलब ये जो चूहे होते हैं, फिर कॉमन क्रो हो गया, फ्लाइंग फॉक्स हो गया, फ्रूट ईटिंग बैट्स हो गए। राइट, और फिर तो ये जो है इनका लिस्ट है दिया गया हुआ है। राइट, वो स्केड्यूल 5 में आते हैं, उनका हंटिंग अलाउड है। फिर देखिए स्केड्यूल 6, तो स्केड्यूल 6 में जो आते हैं जो भी प्लांट्स आते हैं, राइट, उनका उन प्लांट्स का या फिर और उनसे रिलेटेड जो प्लांट्स हैं उनका कल्टीवेशन, कलेक्शन, एक्सट्रैक्शन, ट्रेड मतलब उन्हें उनका कल्टीवेशन मतलब उन्हें उगाना, फिर कलेक्शन मतलब उन्हें जमा करके रखना, और एक्सट्रैक्शन उनसे कोई जो कुछ भी जो केमिकल कंटेंट निकलता है, फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो उसमें निकलता है, उनको एक्सट्रैक्ट करना, निकालना, और उनका बिजनेस करना मतलब उनसे उनका ट्रेड करना, धंधा करना, वो उन सब पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, मनाही है, जो भी स्केड्यूल 6 में आते हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं, रेड वैंडा, ब्लू वैंडा, कूट,
पिचर प्लांट, राइट, पिचर प्लांट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बेडोम सिकेड और लेडी स्लिपर ऑर्किड, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं उन प्लांट्स के, राइट. आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लू वेंडा है, रेड वेंडा है और पिचर प्लांट, राइट. तो देखिए पूरे जो हैं स्पीसीज हैं उनको याद रखना मुश्किल है, बट आपको ये ज़रूर याद रखना है स्केड्यूल वन के प्रो क्या में अगर कुछ कोई एनिमल है उनका लिस्ट है तो उस लिस्ट में उसका नाम है तो उससे क्या होता है, राइट. स्केड्यूल वन, स्केड्यूल टू, आई थिंक स्केड्यूल फोर के बारे में मैंने देखा था, एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक किसी स्टेट पीसीएस में आया था, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन आया था ये क्वेश्चन. तो ये ज़रूरी है कि हम स्केड्यूल्स में क्या है वो ज़रूर याद रखें, राइट. और जो फेमस एग्जांपल्स है, राइट, इसमें जैसे रेड वेंडा हो गया, ब्लू वेंडा हो गया, पिचर प्लांट हो गया, इसे याद रखें, राइट. और इनमें वर्मिंस हो गए, तो ये हमें याद रखना है स्केड्यूल्स के बारे में. अब आते हैं हम लोग डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिमल्स लिस्टेड इन स्केड्यूल वन टू फोर. तो जो स्केड्यूल वन से लेकर फोर है जो उनमें जो एनिमल्स हैं उनकी पूरी तरह से डिस्क्रिप्शन दी गई हुई है, पूरे चैप्टर में यही रखा है, राइट. इसी तरह से टेबल्स बनाए गए हुए हैं जिन्हें हमें देखना बहुत ज़रूरी है, राइट. तो स्टार्ट करते हैं. तो इसमें सबसे पहले क्या दिया गया कि उनका नाम क्या है, वो कॉमन नेम किस कॉमन नेम से जाने जाते हैं, फिर वो कैस किस कैटेगरी में आते हैं, उनके कंजर्वेशन स्टेटस के हिसाब से जो हमने देखा था IUCN ये सब में किस तरह से उसको क्लासिफाई किया जाता है, किसी भी एनिमल को या फिर किसी भी फ्लोरा को फौना को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है कैटेगरी में. उसके बाद फिर वो डिस्क्रिप्शन, मतलब कहाँ 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 पाया जाता है उस रेंज की डिस्क्रिप्शन दी गई हुई है, उसका जोग्राफिकल एरिया, और उसके बाद किस तरह के हैबिटेट में वो रहता है, वहाँ की इकोलॉजी कैसी है, राइट. और फिर से मेजर किस किस चीज़ से खतरा है, राइट. तो अब स्टार्ट करते हैं. तो पहला है अंडमान वाइल्ड पिग, राइट. तो इसका स्टेटस है लीस्ट कंसर्न, सबसे कम कंसर्न है, मतलब कंजर्वेशन के उसके हिसाब से, और नाम से पता चल रहा है अंडमान में पाया जाता है, अंडमान वाइल्ड पिग अंडमान में पाया जाता है. तो ऑब्वियसली अंडमान का जैसा टेम्परे मतलब जैसी कंडीशन है, ज्योग्राफिकल कंडीशन, टेम्परेट टू ट्रॉपिकल हैबिटेट, राइट, वहाँ पे पाया जाता है. इसे मेजर किससे खतरा है, इसे खतरा है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से वहाँ पे, और हंटिंग से, और जो एनवायरमेंटल प्रेशर है उससे, राइट. फिर हम आते हैं भरल पे. ये देखिए आप भरल का यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं. इसका स्टेटस है लीस्ट कंसर्न, राइट. ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, भूटान, चाइना, नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न म्यांमार, नेपाल, राइट, और नॉर्थ पाकिस्तान, ब्लू शीप, नॉर्थ हिमालय और ट्रांस हिमालय, राइट. और भी नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया है और रेंज दिया गया है, राइट. अब इसका हैबिटेट देख लेते हैं, ओपन ग्रास स्लोप्स इन हाई माउंटेन. तो हाई माउंटेन में जो ग्रास स्लोप्स हैं, राइट, ढलान है इस तरह से, वहाँ पे पाया जाता है. हाइट भी यहाँ पे दी गई है 2500 to 5000 meters. तो वहाँ तक पाए जाते हैं उस एरिया में. ये मोस्टली जो फॉरेस्ट एरियाज है वहाँ पे जाने से अवॉइड करते हैं, वहाँ नहीं जाते हैं. और ये देखिए जो लोकल लाइफ स्टॉक है वहाँ पे, उनसे इन्हें ज़्यादा खतरा है. यहाँ पे इसका मेजर थ्रेट किससे, जो वहाँ के जो लाइफ स्टॉक है, वहाँ के जो मवेशी ये सब हैं, उनसे इसे खतरा है, और उनको उनसे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का भी इन्हें खतरा है, राइट. और ये भरल के बारे में हम देख रहे थे, तो भरल के और मतलब कुछ ज्योग्राफिकल एरियाज़ दिए गए. ट्रांस हिमालयाज़ में पाए जाते हैं, अरुणाचल की बाउंड्री के बॉर्डर एरियाज़ में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड, यूपी में, सिक्किम, ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में, और रिसेंटली वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में भी इसे कंफर्म किया गया है, राइट. फिर आते हैं हम बिंतुरोग. तो यहाँ पे आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं. तो इसका स्टेटस है वल्नरेबल, राइट. तो ये चिंता का विषय है, वल्नरेबल स्टेटस में आता है. कहाँ कहाँ पाया जाता है, ईस्ट इंडिया में, सिक्किम में, इंडिया में, सिक्किम में पाया जाता है, फिर बांग्लादेश में, भूटान, म्यांमार और चाइना में. तो मोस्टली नॉर्थ ईस्ट की तरफ, मतलब नॉर्थ ईस्ट की साइड में पाया जाता है. फिर देखते हैं ये इसका हैबिटेट है, अबोरियल एनिमल है ये, मोस्टली फ्रूट और इंसेक्ट्स और बर्ड्स को खाता है, राइट. और इसका इसे भी खतरा है हैबिटेट लॉस का और डिग्रेडेशन का, उसके हैबिटेट का डिग्रेडेशन का. फिर हम देखते हैं ब्राउन एंटलर्ड डियर. तो ये यहाँ पे देखिए इसके पिक्चर है. इसका स्टेटस है एंडेंजर्ड, राइट. इसका एंडेंजर्ड स्टेटस है. कहाँ कहाँ पाया जाता है, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, राइट, मणिपुर, राइट, मणिपुर में, और फिर बाद में लोकतक लेक है वहाँ पे पाया जाता है नॉर्थ ईस्ट में, और फिर म्यांमार में भी, राइट. उसके बाद फिर ओपन ग्रास, और वहाँ मतलब ज़्यादातर जहाँ पे ग्रासलैंड्स में पाया जाता है, ग्रास डोमिनेटेड हैबिटेट, राइट. तो ऑब्वियसली वहाँ पर ग्रासलैंड होगी. और इसे खतरा किस किस से हंटिंग से है, इससे मेडिसिनल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, उस वजह से स्मगलिंग की जाती है, पोचिंग की जाती है, हैबिटेट लॉस से. और वहाँ पे जो लोकतक लेक है, राइट, ये बहुत फेमस लेक है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए किस स्टेट में है, कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में लोकतक लेक के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, राइट. तो फिर और यूनिक क्या है लोकतक लेक के बारे में, ये भी. तो फिर बाद में वहाँ पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट चल रहा है,
तो उसके वजह से भी इसे हैबिटेट लॉस का ख़तरा है, ये भी एक मेजर थ्रेट है इसके लिए। फिर दूसरे एनिमल पे आते हैं, उसका नाम है ब्राउन बेयर। आप यहाँ पे उसकी पिक्चर देख सकते हैं, राइट, यहाँ पे ब्राउन बेयर। तो इसका स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और ये कहाँ पाया जाता है, इंडिया में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, राइट। और इसका आप देखें हैबिटेट कहाँ है, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, नॉर्दर्न ईस्ट, वेस्टर्न चाइना, यहाँ पे मेनली पाया जाता है। और फिर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, इस वजह से इसे बहुत ज़्यादा खतरा है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट से, राइट। होता है ना कि कभी ऐसे होता है कि वो लोग इंसानों की जगह में आ जाते हैं, क्योंकि उनका हैबिटेट छिन जाता है, तो ऑब्वियसली उन्हें आना पड़ता है, एक्चुअली हम उनका घर छीन रहे हैं, इस वजह से फिर क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, ब्राउन बेयर। अब आगे बढ़ते हैं, कैप्ड लंगूर, राइट। तो फिर ये देखिए, आप उसकी पिक्चर देख सकते हैं, कैप्ड लंगूर, इसका स्टेटस है वल्नरेबल, राइट। फिर ये चिंता का विषय, कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो बांग्लादेश में, भूटान में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, लगभग पूरा ऑल ओवर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र में मेनली कार्बी आंगलोंग, खासी, गारो, जयंतिया हिल, नागा हिल्स, तो राइट, तो यहाँ पे भी पूरा पाया जाता है पूरे नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद म्यांमार में, ओके। उसके बाद देखिए कैसा है हैबिटेट, देखिए डायर्नल, अपोरियल और ब्रॉड लीफ, डेसीडुअस और बैम्बू फॉरेस्ट जहाँ पे होते हैं, यहाँ वहाँ पे इसका हैबिटेट होता है, राइट। हम बात कर रहे हैं कैप्ड लंगूर की। उसके बाद थ्रेट किस किस चीज़ों से हैं इसे, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, तो आई थिंक मोस्टली में आप ये ना एक तरह से लिख ही सकते हैं हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हर वाइल्ड लाइफ का प्रॉब्लम यही है कि हम उनका घर छीन रहे हैं, उनका हैबिटेट हम छीन रहे हैं, तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। और क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में तो झूम कल्टिवेशन, फिर मोनोकल्चर, जो टिम्बर उगाए जाते हैं, राइट, ये तो ब्रिटिशर्स के टाइम से हो रहा था, मोनोकल्चर जो हो रहा है, राइट। उसके बाद फायरवुड हार्वेस्ट के वजह से, और फिर मीट पर्पज़ के वजह से भी इसकी ट्रेडिंग होती है, राइट। तो ये हो गए, ये इसके मेजर थ्रेट हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं कराकल डेजर्ट लिंक्स, तो ये यहाँ पे इसकी पिक्चर है, तो इसका स्टेटस है लीस्ट कंसर्न, राइट। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, साउथ वेस्ट एशिया और इंडिया, राइट। फिर इसका क्या बोलते हैं, हैबिटेट देख लेते हैं, और एनवायरनमेंट किस तरह का रहेगा, एनवायरनमेंट सेमी डेजर्ट से लेकर ओपन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, राइट। तो ये वहाँ पाए जाते हैं, और इसको थ्रेट किस चीज़ों से, खतरा किन किन चीज़ों से, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और हंटिंग, इनकी हंटिंग होती है। फिर आते हैं हम चीता वल्नरेबल स्टेटस, वेरी यू नो ख़राब चीज़ है ये। उसके बाद फिर इसका ये है क्या है, जो सेंट्रल इंडिया में और पाकिस्तान में एक्सटिंक्ट है, राइट। आई थिंक 2008 में ये करंट अफेयर्स का आई थिंक ये क्वेश्चन था कि चीता इंडिया में पूरी तरह से चले गए थे, तो फिर चीता को कहीं से लाया गया था, आई थिंक अफ्रीका से, नौरादेही जो मध्य प्रदेश में, वहाँ पर चीता को लाया गया था, राइट। तो इसलिए सेंट्रल इंडिया में, मतलब इंडिया और पाकिस्तान में एक्सटिंक्ट हो चुके थे एशियाटिक लायंस, और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है अभी, राइट। तो एशियाटिक चीता जो है ईरान में है, राइट। फिर ये कहाँ इनका हैबिटेट कहाँ कैसा होता है, ओपन ग्रास हैबिटेट और ड्राई फॉरेस्ट, राइट, और जैसे सवाना हो गए, इसलिए अफ्रीका से इसे लाया गया था, सवाना, वुडलैंड, सेमी डेजर्ट, राइट। देखिए ऐसा होता है ना, जहाँ ये बहुत घने जंगल में नहीं रह पाते, क्योंकि ये बहुत तेज़ दौड़ते हैं, राइट, चीता का ये बहुत तेज़ दौड़ते हैं, तो उन्हें थोड़ी खाली जगह चाहिए होती है, और बहुत घने जंगल में इसलिए चीता नहीं रह पाते, इसलिए हम लोग सवाना के जो वुडलैंड्स होते हैं ना, वहाँ पे ये ज़्यादा रहते हैं, राइट, और एब्सेंट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, राइट। तो मैंने जैसे बताया था, अब इनको ख़तरा किस चीज़ से है, हैबिटेट लॉस, राइट, एंड देन हैबिटेट लॉस, उनका हैबिटेट छिन रहा है, फिर फ्रेगमेंटेशन, लॉस ऑफ प्रे, जो उनको खाने के लिए वो नहीं मिल रहा है, और ह्यूमन हंटिंग हो रही है, फिर लाइफ स्टॉक डैमेज होता है, तो इस वजह से क्या, जो ये क्या करते हैं, जो जैसे गाय होते हैं, गाय को खा जाते हैं, लाइक लाइफ स्टॉक को खा जाते हैं, उस वजह से क्या है, इंसान उन्हें मार देता है, उनका हंटिंग कर देता है, राइट। अब हम आते हैं यहाँ पे, ये देखिए पेंगोलिन, यहाँ पे ये पिक्चर की वजह से छुप गया है, राइट, तो कुछ गड़बड़ हो गई है, लेकिन यहाँ पे पेंगोलिन है, तो पेंगोलिन का स्टेटस है एंडेंजर्ड, यहाँ पे उसकी पिक्चर है पेंगोलिन की, राइट। तो पेंगोलिन का एंडेंजर्ड स्टेटस है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हिमालयन में, हिमालयन फुट हिल्स में पाया जाता है, और ईस्टर्न नेपाल, भूटान, नॉर्दर्न इंडिया में, और नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश, और इंडिया में कहाँ, सिक्किम में मोस्टली पाया जाता है।
राइट हैबिटेट देख लेते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट राइट, फिर लाइमस्टोन फॉरेस्ट, बैम्बू फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और एग्रीकल्चरल फील्ड, नॉक्टर्नल एनिमल, ये रात मतलब नॉक्टर्नल एनिमल है, रात को जो नहीं जगता है। अब इसका खतरा किस चीज़ से, हैबिटेट लॉस ऑब्वियसली, हंटिंग और लोकल यूज़ के लिए लोग क्या करते हैं, इसकी स्किन, मैंने बताया था आपको पैंगोलिन की ये जो स्किन होती है, जो स्केल्स पाए जाते हैं ना उसकी काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पोचिंग की जाती है, इनका शिकार किया जाता है इलीगली तरीके से, और इसके मीट के लिए भी इसकी शिकार की जाती है राइट। अब आते हैं इंडियन गज़ल जिसे चिंकारा भी कहते हैं, इसका स्टेटस है लीस्ट कंसर्न राइट, और वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया राइट में पाया जाता है, और फिर पाकिस्तान में भी पाया जाता है, और साउथ वेस्ट अफगानिस्तान, थार डेजर्ट, वहाँ पे ये इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है राइट। हैबिटेट देख लेते हैं, ऑब्वियसली अगर ऐसे जगह में तो जैसे डेजर्ट का इकोलॉजी होता है, डेजर्ट में कैसा रहता है उसी तरह के वहाँ पर पाए जाते हैं, तो इनहैबिट्स एरिड एरियाज़ राइट, एरिड एरियाज़ में जहाँ पे पानी की कमी होती है, बारिश ज़्यादा नहीं होती है, सैंड डेजर्ट्स, फ्लैट प्लेन्स, हिल्स, ड्राई स्क्रब एंड लाइट फॉरेस्ट राइट, तो वहाँ पे घने घने जगह में, ट्रॉपिकल एरियाज़ में इस तरह से नहीं, वहाँ पे नहीं पाए जाते होंगे, सैंड जहाँ पे ज़्यादा रहता है वहाँ पे। फिर हैबिटेट लॉस, इसी से खतरा है इसे सबसे ज़्यादा, फिर बाद में ओवर ग्रेजिंग राइट, तो बाकी और भी जो एनिमल्स रहते हैं तो उनसे ओवर ग्रेजिंग हो जाती है, वो ज़्यादा खा जाते हैं तो उससे उसकी वजह से इन्हें प्रॉब्लम होती है, इसका खाना चेंज जाता है। फिर एग्रीकल्चर, जो इनके फॉरेस्ट को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से, इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है राइट, तो ये इनसे इन चीज़ों से इसे खतरा है। फिर अब आगे देखते हैं क्लाउडेड लेपर्ड राइट, तो क्लाउडेड लेपर्ड इसका स्टेटस वल्नरेबल आता है, कहाँ पाया जाता है क्लाउडेड लेपर्ड, हिमालयन फुटहिल्स नेपाल में, और थ्रू मेनलैंड जो साउथ ईस्ट एशिया है जैसे चाइना, वहाँ पे ही पाया जाता है ऑब्वियसली। अब क्लाउडेड लेपर्ड कहाँ पाया जाएगा, जिस आपको पता ही चल रहा होगा, यहाँ पे दिया गया है नेपाल है, हिमालयन फुटहिल्स, तो मतलब उसी एरिया में, उसी तरह के जो क्लाइमेटिक एरियाज़ हो गए जैसे एबोरियल फॉरेस्ट हैबिटेट, और जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है और ड्राई डेसर्ट्स रेन फॉरेस्ट में भी पाया जाता है, और हाइट दी गई है 2500 मीटर, तो इसे भी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से प्रॉब्लम की वजह से खतरा है, और इसे इसके स्किन के लिए राइट, तो क्लाउडेड लेपर्ड होता है उसकी स्किन के लिए इसे इसके हमें शिकार किया जाता है, और फिर बाद में इसके हड्डियों के लिए शिकार किया जाता है, और फिर मेडिसिनल राइट मेडिसिन बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसे बंदी बना के रखा जाता है राइट, यहाँ पे इसे कैप्टिविटी में रखा जाता है। फिर अब आते हैं क्रैब ईटिंग मैकाक, ये भी एक तरह का बंदर होता है जो केकड़ा खाता है राइट, क्रैब खाता है, इसका स्टेटस है लीस्ट कंसर्न राइट, और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, निकोबार आइलैंड्स राइट, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार आइलैंड्स में राइट, इस हाइट देखिए 600 मीटर्स तक पाए जाते हैं, तो ऑब्वियसली अब वहाँ का किस तरह का हैबिटेट होगा, ग्रासलैंड है, मैंग्रोव है, स्वाम्प फॉरेस्ट हो गए राइट, और एग्रीकल्चर एरियाज नियर फॉरेस्ट वहाँ पे पाए जाते हैं, और इसे भी खतरा किस चीज़ों से, हंटिंग से, हैबिटेट लॉस से राइट। यहाँ पे आप यहाँ पे इनकी फ़ोटोज़ देख सकते हैं, ये है आपका क्लाउडेड लेपर्ड, ये है क्रैब ईटिंग मैकाक राइट, और एक था चिंकारा इंडियन गज़ल राइट, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये है चिंकारा। अब आगे बढ़ते हैं सैंड कैट, तो सैंड कैट की कैटेगरी क्या है, नियर थ्रेटेंड राइट, तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये सिर्फ सैंड कैट मतलब नाम से आपको पता चल रहा है, तो ये सिर्फ डेजर्ट में ही पाया जाता होगा, बहुत इजी हो गया, सैंड कैट मतलब सैंड में पाया जाता है, रेत में, तो ये कहाँ पे, सिर्फ डेजर्ट में पाया जाता है, तो नॉर्दर्न अफ्रीका हो गया, जो नॉर्दर्न अफ्रीका है, और साउथ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया हो गया तो राइट। अब इनसे आप पता लगा सकते हैं, अगर आपको कभी MCQs आ गए तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं राइट, सैंड कैट के बारे में किस तरह के एरियाज़ में रहते हैं, तो राइट, तो इसीलिए ज्योग्राफी को इसके साथ रिलेट करने की बहुत ज़रूरत है, काफ़ी आसान हो जाता है ये। तो अब इसका हैबिटेट देख लेते हैं, जो सैंड डेजर्ट है वहाँ पे स्पेशली पाए जाते हैं, और फिर स्पेयर री वेजिटेशन विच कैन सपोर्ट स्मॉल रोडेंट प्रे, तो जो इसके जो खाने के लिए क्या होता है, जो चूहे ये सब होते हैं वो इसे मतलब उसे ये खाता है राइट, उसका वही ये इसका शिकार कर मतलब उसका खाना यही होता है रोडेंट राइट। और फिर बाद में किससे खतरा है इसे, मेनली जो उसका हैबिटेट छिन जाने से मेनली खतरा है, और ह्यूमन सेटलमेंट, लोग आके बस जाते हैं और फिर इनके इनका उनसे घर छिन जाता है, और जो लाइफ स्टॉक है मतलब जो क्या बोलते हैं
मवेशी ये सब होते हैं, पशु होते हैं जिन्हें पालते हैं लोग, डोमेस्टिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, उनसे उनके वजह से भी इनकी इन्हें दिक्कत होती है, राइट। फिर अब आगे आते हैं डुगोंग, जिसे कहते हैं सी काउ, इसका स्टेटस भी वल्नरेबल है। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं सी काउ, तो सी से आपको पता चल रहा है ऑब्वियसली ये वाटर बॉडीज़ में पाए जाते होंगे, तो इसलिए कोस्टल आइलैंड, वाटर बेल्ट, ईस्ट अफ्रीका, राइट, ईस्ट अफ्रीका के वाटर बेल्ट्स में, और फिर बाद में वैन्यूएट बेल्ट, लैटिट्यूड यहाँ पे दिया गया है 27। आपको ये एकदम रटने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक आइडिया रहना चाहिए, राइट, कोस्टल आइलैंड्स में सब में पाया जाता है, इसलिए आप ताकि आप एलिमिनेट कर सकें, आराम से एक आइडिया लगा सकें, राइट। फिर इंडिया में अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स में पाया जाता है, राइट। इसका हैबिटेट ऑब्वियसली कोस्टल वाटर, वाइट शैलो, मैंग्रोव्स हो गए, राइट, तो इस तरह के वाटर बॉडीज़ के पास। फिर सी ग्रासेस बेल्ट यहाँ पर पाया जाता है। फिर आप देखते हैं खतरा इसे किस किस चीज़ से, मेजर थ्रेट किससे हैं, हैबिटेट लॉस का, डिग्रेडेशन का, उसके हैबिटेट के डिग्रेडेशन का, और इंडिजिनियस यूज़ एंड हंड, इसके हंटिंग, जो इसकी हंटिंग की जाती है उस वजह से भी, और क्योंकि ये वाटर बॉडी में रहता है तो वाटर बॉडी में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन की वजह से भी हमने देखा था किस तरह से जो मराइन ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट, वहाँ पे जो रहने वाले उसके फ्लोरा और फौना को किस तरह से दिक्कत होती है पोल्यूशन की वजह से, तो इसलिए पोल्यूशन भी इनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, राइट। फिर अब आगे देखते हैं अर्मिन, राइट, अर्मिन का स्टेटस है लीस्ट कंसर्न, राइट, और मैं बता दूँ ये बहुत क्यूट दिखते हैं अर्मिन जो है, पिक्चर्स में दिखाऊंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये थ्रू आउट नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ग्रीनलैंड, कनाडा, साइबेरिया और इंडिया में भी पाया जाता है, राइट, तो काफ़ी मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है इसका ये कहें तो एकदम गैस करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। फिर देखिए फॉरेस्ट एज हैबिटेट, फिर स्क्रब, अल्पाइन मेडो, राइट, तो यहाँ से देखिए अल्पाइन मेडो, क्योंकि ये कनाडा बोल रहा है, साइबेरिया बोल रहा है, मतलब इस ऐसी जगह में रहता होगा जहाँ पे बहुत बर्फबारी होती होगी, राइट, क्योंकि काफ़ी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में काफ़ी ऊपर वाली एरियाज़ होते हैं, नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, राइट, तो फिर इसलिए अल्पाइन मेडो हो गए, स्क्रब हो गए, मार्शेस में, राइट, वुडलैंड, हेजिग्रोस वहाँ पे पाया जाता है, तो इसे ज़्यादा कोई मेजर थ्रेट नहीं है, मेनली क्या है टिम्बर के वजह से, टिम्बर लॉस के वजह से और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, उसके हैबिटेट छीनने की वजह से थोड़ा बहुत उसको खतरा है, राइट। फिर आके देखिए ये रहा, ये इनके पिक्चर्स हैं, ये है डुगोंग जिसे सी काउ भी कहते हैं, और ये मराइन मतलब सी वाटर में पाया जाता है, मतलब कोस्टल एरियाज में पाया जाता है। ये है अर्मिन, राइट, जिसके बारे में हम अभी पढ़े थे। और फिर ये है हमारा सैंड कैट, जो कि डेजर्ट्स में पाया जाता है, सिर्फ डेजर्ट्स में ही पाया जाता है, ये रहा, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं फिशिंग कैट, ओके, तो फिशिंग कैट इसका स्टेटस है एंडेंजर्ड, कहाँ पाया जाता है, एशिया, पाकिस्तान और इंडस वैली इंडिया में, राइट, इंडस वैली है वहाँ पे पाया जाता है, नागपुर में भी पाया जाता है, और हिमालयन फुटहिल्स में और ईस्टर्न इंडिया में भी, जैसे कियोलाडो नेशनल पार्क है वहाँ पर भी। फिर अब यहाँ पर देखिए किस टाइप के क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब किस तरह की ज्योग्राफी में रहते हैं, वेटलैंड, मार्शी स्वॉम्पी एरियाज, ऑक्सपो लेक्स, रीड बेड्स, मैंग्रोव्स, एवरग्रीन और ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट यहाँ पाए जाते हैं, राइट। मेजर थ्रेट इनको किससे हैं, जो वेटलैंड डिस्ट्रक्शन हो रहा है, राइट, 45% जो वेटलैंड डिस्ट्रक्शन है, राइट, उसका यहाँ पे आप देख सकते हैं 45% है वो पूरी पूरे ग्लोबली 94% पूरे जो वेटलैंड्स है वो पूरी तरह से थ्रेटन्ड हो चुके हैं, और इसे खतरा है ह्यूमन सेटलमेंट्स के वजह से, एग्रीकल्चर के वजह से, पल्यूशन के वजह से, राइट, और फिर हंटिंग भी होती है, और वुड कटिंग के वजह से इसे मेजर थ्रेट है, मेजर खतरा है। फिर फोर हॉर्न एंटेलोप, ये एक तरह का डियर होता है, वल्नरेबल स्टेटस है इसका, 2008 से वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये, मतलब पूरी जो इंडिया में है पूरी तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, मेनली ये हिमालयन फुट हिल्स में पाया जाता है, और पेनिनसुलर इंडिया में जो नीचे एरियाज है वहाँ पे भी पाया जाता है, नेपाल और इंडिया में भी पाया जाता है। तो फाउंड इन वेल वुडेड अंडुलेटिंग, राइट, जैसे पानी जहाँ पे होता है हिली एरियाज़ में वहाँ पे पाया जाता है, और नेवर फार फ्रॉम वाटर, राइट, जब पानी से ज़्यादा दूर नहीं रह सकता है, दे आर सॉलिटरी एंड ब्राउज एंड ग्रेज, मतलब ज़्यादा ये चरते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो डियर है वो मोस्टली वो क्या बोलते हैं ग्रेजिंग से के थ्रू ही वो मतलब वो चरते ही हैं, राइट। फिर बाद में देखते हैं हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से उन्हें खतरा है, क्लियरेंस ऑफ स्क्रब जो भी क्योंकि ये ग्रेजिंग करते हैं, मतलब ग्रेजिंग मतलब ऑब्वियसली खाना होता है,
जो पेड़ पौधों को खाते हैं उन्हें वो ग्रेजिंग कहते हैं। तो वो उसके वजह से क्या, अगर ये चले जाते हैं मतलब जो प्लांट्स है वो सब ख़त्म हो जाते हैं, तो उस वजह से इन्हें प्रॉब्लम आती है। फिर फॉरेस्ट एरिया को जब एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इनसे उनका घर छिन जाता है, इनसे उनका खाना भी छिन जाता है। तो ये हो गया हमारा फोर हॉर्न एंटेलोप और ये फिशिंग कैट, राइट। अब आगे बढ़ते हैं गैंजिस रिवर डॉल्फिन। तो नाम से आपको पता चल रहा है कहाँ पे पाई जाती होगी। इसका स्टेटस है एंडेंजर्ड। तो इंडस गैंजिस ब्रह्मपुत्र मेघना वहाँ पे पाया जाता है, कर्णफुली और संगू रिवर सिस्टम जो साउथ में है, और एशियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम अपस्ट्रीम टू वेर दे ब्लॉक बाय बैरियर, ठीक है, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे उसके कुछ हैबिटेट दिया गया है, कोन इनकाउंटर करंट पूल्स बिलो चैनल कन्वर्ज मीएंडर्स। तो ये मीएंडर्स ही सबके आसपास पाए जाते हैं, तो मतलब ज़्यादा सैलिनिटी को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, राइट। इससे ज़्यादा की सैलिनिटी 10 PPT से ज़्यादा की सैलिनिटी को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, मतलब जो वाटर है वो ज़्यादा सलाइन नहीं होना चाहिए, इस तरह से बता रहे हैं। तो ख़तरा किन से, जो वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं और उनके जो डैम्स ये सब होता है, उसमें बैरेजेस लगाए जाते हैं, उस वजह से इनका हैबिटेट लॉस होता है। पॉल्यूशन के वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा खतरा है, क्योंकि मराइन एनिमल है, मराइन मतलब वाटर बॉडीज़ में रहता है, एक्वेटिक एनिमल है, राइट। उसके बाद फिर मोर्टेलिटी इन फिशिंग गियर, राइट। उस वजह से जो फिशिंग के लिए नेट ये सब इस्तेमाल किया जाता है, तो उससे वजह से मर जाते हैं, शिकार करने की वजह से मर जाते हैं, राइट। फिर बाद में आता है इंडियन गौर, इसका स्टेटस है वल्नरेबल। तो गौर क्या है, राइट, हिस्टोरिकली अकर्ड थ्रू आउट द मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया और श्रीलंका, मतलब ये जो साउथ में मोस्टली ज़्यादा पहले पाया जाता था। अभी क्या है, जो फ्रॉम सी लेवल से 2800 मीटर ऊपर पाया जाता है, तो हिल और लो लाइंग एरियाज़ में पाए जाते हैं, और मोस्टली अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉरेस्ट ट्रैक्स होते हैं वहाँ पे, और हिली टेरेन होता है वहाँ पे पाए जाते हैं, और जहाँ पे पानी अवेलेबल होता है वहाँ पे, और जो जहाँ पे छोटे मोटे घास होते हैं, कोर्स ग्रासेस होते हैं, वहाँ पे पाया जाता है, वहाँ पे इसका हैबिटेट होता है। ख़तरा इसे है हंटिंग से, हैबिटेट उसका ख़राब होने के वजह से, मतलब उसका घर छीनने की वजह से, फिर फॉरेस्ट को जब उनसे उनका फॉरेस्ट छिन जाता है तो उनका घर भी छिन जाता है, और ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से इसे ज़्यादा खतरा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडस गैंजिस डॉल्फिन, और यहाँ पे आपका इंडियन गौर, राइट। आगे बढ़ते हैं गोल्डन कैट, राइट। तो गोल्डन कैट यहाँ पे उसकी कैटेगरी है नियर थ्रेटेंड, राइट। तो नियर थ्रेटेंड है, हिमालयन फुटहिल्स में पाया जाता है, राइट, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। और इसका हैबिटेट है फॉरेस्ट हैबिटेट रेंजिंग फ्रॉम ट्रॉपिकल से लेकर ये सब ट्रॉपिकल तक पाए जाते हैं, और फिर एवरग्रीन से मिक्स्ड एंड ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में भी पाए जाते हैं। तो फिर काफ़ी ज़्यादा जगह ये पाए जाते हैं। मोस्टली खतरा किन से, वही हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और इल्लीगल ट्रेडिंग की जाती है, तो उस वजह से इसे खतरा होता है। फिर आते हैं गोल्डन लंगूर, और ये इंडेंजर्ड है, ठीक है, इसका स्टेटस। फिर कहाँ पाया जाता है, भूटान और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और भूटान कह रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि किस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस में ही रहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, फिर आ गया फॉरेस्ट बेल्ट वेस्ट असम, बिटवीन मानस रिवर, जो मानस रिवर है असम में पाई जाती है वहाँ पे, फिर संकोश और ब्रह्मपुत्र इसके आसपास में पाया जाता है, राइट। तो मॉइस्ट एवरग्रीन डेप्टेरोकार्प में, रिवराइन और मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से, हंटिंग से इसे ज़्यादा खतरा है, ठीक है। फिर अब 22A यहाँ पे देख लेते हैं, उसमें आता है इंडियन मलाबार जाइंट स्क्विरल, जाइंट इक्वेटर, राइट। तो यहाँ पे देखिए, इसका स्टेटस है लीस्ट कंसर्न, ठीक है। तो यहाँ ये कहाँ का, अब नाम से देखिए, इंडियन मलाबार, तो ये कहाँ पाया जाता होगा, राइट, बहुत इजी है ये गैस करना। तो साउथ वेस्टर्न सेंट्रल ईस्टर्न पेनिनसुलर इंडिया, राइट। तो यहाँ पे देखिए, सतपुरा रेंज ये सब दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, MP, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात और केरला, राइट, इन सब जगह में ज़्यादा पाया जाता है। और यहाँ पे एबोरियल स्पीसीज, ट्रॉपिकल, एवरग्रीन, सेमी, तो देखिए काफ़ी बड़ा स्पेक्ट्रम है इसका, सेमी एवरग्रीन, मॉइस्ट डेसिडुअस, हाई कैनोपी, तो मतलब
एरिड एरियाज़ में तो ये नहीं रहता, राइट, जो जो ट्रॉपिकल है और उससे रिलेटेड है आसपास के डेसिडुअस, मतलब मॉइस्ट डेसिडुअस, ये सब वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे हाई कैनोपी ये सब होती है। तो ये इजी है याद रखना, ठीक है। फिर आते हैं इसके हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से, एग्रीकल्चर से, प्लांटेशन से, मोनोकल्चर से और डैम के वजह से और हंटिंग के वजह से इसे मतलब मेजर थ्रेट है। तो लगभग सारे ही फैक्टर्स इसमें आ गए, राइट। तो ये आपका है गोल्डन लंगूर, राइट, और ये आपका इंडियन मलाबार स्क्विरल, राइट, और फिर ये आपकी गोल्डन कैट, ओके। आगे देखते हैं ग्रिजल्ड जायंट स्क्विरल, राइट। तो अब इस ग्रिजल्ड जायंट स्क्विरल इसकी कैटेगरी है नियर थ्रेटन, कहाँ कहाँ पाई जाती है, साउथ इंडिया में, केरला, तमिलनाडु और श्रीलंका में भी पाया जाता है, राइट। तो आपको अब इनसे आपको पता चल जाएगा किस तरह के वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगे, ट्रॉपिकल, ड्राई, डेसिडस एंड माउंटेन फॉरेस्ट, राइट। फिर हैबिटेट डिग्रेडेशन के वजह से, एग्रीकल्चर के वजह से, मोनोकल्चर, डैम हंटिंग और प्लांटेशन के वजह से इसे खतरा होता है, राइट। फिर आता है हिमालयन इबेक्स, तो ये इसका है कैटेगरी लीस्ट कंसर्न, राइट। फिर ये सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान में पाया जाता है, चाइना में पाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में हिमालय और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में, फिर हिंदू कुश जो काराकोरम रेंज में पड़ता है, राइट, हिंदू कुश वहाँ पे पाया जाता है, फिर माउंटेन ओपन एल्पाइन, राइट। तो क्योंकि अब देखिए यहाँ से आपको पता चल सकता है, तो क्या है हिमालयन इबेक्स नाम से पता चल रहा है, तो किस तरह के ज्योग्राफिकल एरियाज में रहता होगा, तो ऑब्वियसली हिमालयन है तो माउंटेन में रहता होगा, ओपन एल्पाइन मेडो, राइट। तो फॉरेस्ट जोन में लेकिन ये नहीं पाया जाता, इसे फूड के लिए हंटिंग की जाती है, हैबिटेट लॉस किसके वजह से होता है, जो वहाँ के जो मवेशी हैं उनसे कॉम्पिटिशन के वजह से इसे खतरा होता है, राइट। और फिर आ गया हिमालयन तहार, एक्चुअली TAHR है, THAR नहीं है, TAHR, राइट, हिमालयन तहार। तो इसका भी ऑब्वियसली आपको बहुत ईजिली पता लग जाना चाहिए कि किस तरह के एरियाज़ में रहता होगा। तो इसका स्टेटस है नियर थ्रेटेंड, हिमालय, चाइना, साधन टिबेट, नॉर्थ इंडिया में JNK से लेकर सिक्किम में पाया जाता है, राइट। तो पूरा हिमालयन रेंज जो बता रहे हैं, फिर नेपाल और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तो स्टीप रॉकी माउंटेन स्लाइड्स होते हैं वहाँ पे, और यहाँ पे हाइट भी दी गई है 3000 to 4000 एरिया मीटर में, राइट। फिर ग्रास, हर्ब्स और फ्रूट वहाँ पे पाए जाते हैं, राइट, वहाँ उनसे ये खाते भी हैं। फिर इन्हें खतरा किस चीज़ से, अनकंट्रोल्ड हंटिंग, इनकी बहुत ज़्यादा हंटिंग की जाती है उस वजह से, और वहाँ पे पेड़ों को काट दिया जाता है, तो डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, वहाँ पे जंगलों को खाली किया जा रहा है। फिर हैबिटेट लॉस किस वजह से भी होता है, लाइव स्टॉक जो है उससे, वो जो ज़्यादा खा जाते हैं उसके वजह से। तो यहाँ पे आप देख लीजिए उनके पिक्चर्स दिए गए हैं, जायंट स्क्विरल, ग्रिजल जायंट स्क्विरल हो गया, फिर ये हमारा हिमालयन इबेक्स हो गया, और ये हिमालयन तहार। फिर अब आते हैं हिस्पिड एयर, एयर से आप समझ सकते हैं खरगोश होगा, राइट। तो इसका स्टेटस है एंडेंजर्ड, राइट। फिर ये कहाँ पाए जाते हैं, मोस्टली उत्तर प्रदेश और नेपाल, वेस्ट बंगाल और असम वेस्ट बंगाल में, राइट, लगभग नॉर्थ ईस्ट में, और फिर नेपाल इस तरफ में, यूपी में भी पाए जाते हैं, आई थिंक वेस्टर्न यूपी में, ईस्टर्न यूपी की साइड ज़्यादा पाए जाते होंगे। फिर कहाँ, किस तरह का हैबिटेट होगा, टॉल ग्रासलैंड्स हो गए, एलिफेंट ग्रास, राइट। फिर हैबिटेट्स लॉस की वजह से इसे प्रॉब्लम है, मतलब इसको थ्रेट है, खतरा है। फिर एग्रीकल्चर से, लॉगिंग से, फ्लड, राइट। तो ये ईस्टर्न एरियाज़ में तो वहाँ पे फ्लडिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है, उस वजह से इसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, राइट, उसे खतरा है। फिर हॉक बैजर, ये बजर नहीं बैजर है, राइट। तो बैजर उसका स्टेटस है नियर थ्रेटन, लगभग थ्रेटन होने वाला है। कहाँ कहाँ पाया जाता है ये, सेंट्रल टू साउथ, तो सेंट्रल से साउथ ईस्ट इंडिया, मंगोलिया, इंडिया में जैसे सिक्किम, तराई एरियाज जो हो गए, उत्तराखंड जैसे एरियाज़ में, फिर असम और अरुणाचल प्रदेश, राइट। तो मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्न साइड, राइट, ज़्यादातर ईस्टर्न साइड, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में पाए जाते हैं। उसके बाद फिर चाइना में, इंडोनेशिया और लाओस में, फिर म्यांमार, ओके। तो उसी से हम पता लगा सकते हैं, डायर्नल फॉरेस्टेड एरियाज़ हो गए, जहाँ पे ट्यूब रूट पाए जाते हैं, ट्यूबर रूट, अर्थवर्म से सब, ये उनका खाना होता है, राइट, इंसेक्ट्स। और फिर बाद में ग्रासलैंड्स, इंडिया के जो तराई एरियाज़ है, एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गए, राइट। और इन्हें खतरा है तो हंटिंग से, और जो वहाँ पे डॉग्स हैं और इंसानों से भी, उनसे भी इन्हें खतरा है, थ्रेट है। फिर आता है हुलॉक गिबॉन,
राइट, जो कि वेस्टर्न भी है और ईस्टर्न भी है। तो यहाँ पे वेस्टर्न के बारे में बताया गया, तो ये इसका स्टेटस है एंडेंजर्ड। पाया कहाँ जाता है मोस्टली, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, बांग्लादेश में, फिर इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, तो पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखिए नागालैंड, मिजोरम फैला हुआ है राइट। तो अप टू द साउथ ऑफ जो ब्रह्मपुत्र है और जो ईस्ट दिबांग है उसके आसपास में उसके यहाँ पे पाया जाता है राइट। तो फॉरेस्ट ड्वेलर लोकल और इनहेबिट मतलब जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ पे ज़्यादा पेड़ होते हैं, ज़्यादा ट्रीज होते हैं। फिर इससे खतरा है हैबिटेट लॉस से, फ्रैगमेंटेशन से और जो ह्यूमन इंटरफेरेंस होते हैं उस वजह से राइट। जो लोग इंसान इनके जंगलों में जाके इन्हें डिस्टर्ब करते हैं, हंटिंग करते हैं, वो उससे इसे खतरा है। तो राइट, मैं इस लेक्चर को यहाँ पे फ़िलहाल ख़त्म करती हूँ क्योंकि लगभग 70 से ऊपर और भी स्पीसीज़ हैं राइट। तो ये 27 हो गए, अभी हमें 78 तक लगभग क्लियर करना है। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में इसे कंटिन्यू करती हूँ, एक पार्ट में करना इसे आई थिंक इम्पॉसिबल होगा। सो बने रहिए नेक्स्ट पार्ट में, सी यू अगेन, और थैंक यू सो मच वीडियो लेक्चर को अभी तक देखने के लिए।